International School online classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. Class, कौन सी है आपकी class? First. Subject कौन सा बेटा ये? EVS. EVS में हमारा revision चल रहा है. कौन से lesson का? Lesson number 7. जिसका नाम क्या है? Our family यानी हमारा परिवार. आज हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? Exercise number B. Tick the correct answer. मतलब जो सही उत्तर है आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तीन ऑप्शन उसमें से जो ऑप्शन सही है उसे किसका निशान लगाना है राइट का निशान लगाना है और इस वर्क को आपने किस में करना है अपनी ईवीएस की नोटबुक में तो चलो सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक निकालेंगे और मैम के साथ साथ इस वर्क को करेंगे ओके लेसन नंबर लेसन नेम और हेडिंग क्या डालेंगे बी नंबर टिक द करेक्ट आंसर ओके वन नंबर क्या है मीनिंग यूज With her parents. Parents means क्या होता है बेटा माता पिता Lives means रहती है मीनी नाम की लड़की जो है वो अपने माता पिता यानी parents के साथ में रहती है her family is a dash family. मीनी अपने parents के साथ में अपनी family में रहती है और उसकी family को कहा जाता है क्या कहा जाता है बिग फैमिली यानी बड़ा परिवार कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें कि बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं पर मिनी के साथ में तो सिर्फ पेरेंट्स ही हैं न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार बताइए क्या कहा जाता है ज्वाइंट में तो बहुत सारे फैमिली आ जाती है बिग में तो बड़ी फैमिली होती है जिसमें तीन चार बच्चे होते हैं ना तो कौन सी फैमिली कहा जाती है न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर के बाद में क्या करेंगे बॉक्स बनाकर उसके अंदर राइट का निशान लगाएंगे और इस आंसर को कहां लिखेंगे इस फिलअप में भी लिखेंगे ओके तो हमारा आंसर क्या आ गया न्यूक्लियर तो अब इस दोबारा पढ़ते हैं मिनी लिव्स विद हर पेरेंट्स हर फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली ओके अब हम देखेंगे टू नंबर क्या है बेटा पेरेंट्स यानी माता पिता चिल्ड्रन मीन्स बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स क्या होता है बेटा दादा दादी कौन होता है दादा दादी यानी दादाजी और दादी जी दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी और पेरेंट्स मीन्स माता पिता अंकल आंट कौन होते हैं चाचा चाची भी होते हैं ताया और ताई भी होते हैं ओके एंड कजन्स कौन होते हैं यानी हमारे जो चाचा चाची जो होते हैं यानी ताया ताई होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौन होते हैं कजन्स होते हैं ओके लिव इन अ डैश फैमिली इतने सारे लोग जो फैमिली में रहते हैं उसे कहा जाता है क्या बिग बड़ा परिवार स्मॉल छोटा परिवार या ज्वाइंट संयुक्त परिवार बताइए क्या बताया गया था आपको जब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं तो आपका आंसर क्या है इसका ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार तो आपने इस आंसर को यहां पर भी लिखना है ज्वाइंट फैमिली ओके चलो पढ़ते हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड आंट एंड कजन्स लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली ओके नेक्स्ट क्या है वैन फादर फादर मीन्स पिता मदर मीन्स माता या माँ एंड देयर थ्री और फोर चिल्ड्रन मीन्स बच्चे थ्री और मोर यानी तीन या तीन से ज्यादा चिल्ड्रन मीन्स बच्चे लिव मीन्स रहते हैं टूगेदर मीन्स एक साथ इट इज कॉल्ड ये कहलाते हैं और डैश फैमिली कौन सी फैमिली कहलाते बताइए कौन सी फैमिली कहलाते जब मम्मी पापा और उनके तीन या तीन से ज्यादा बच्चे एक फैमिली में रहते हैं वो कौन सी फैमिली कहलाती है मैम ने पहले ही आपको इसका आंसर बताया था चलो फिर से बताते हैं न्यूक्लियर यानी एकल परिवार ज्वाइंट यानी संयुक्त परिवार या बिग फैमिली बड़ा परिवार क्या कहा जाता है
बिग फैमिली यानी बड़ा परिवार, जब तीन या तीन से ज्यादा बच्चे होते हैं अपने मम्मी पापा के साथ में रहते तो वो बिग फैमिली कही जाती है, और इसे हमने यहाँ पर भी फिलअप में लिखना है। ओके चलो पढ़ते हैं। व्हेन फादर, जब फादर मदर एंड देयर थ्री और मोर चिल्ड्रन लिव टूगेदर इट इज कॉल्ड अ बिग फैमिली। ओके एक बार फिर से इसकी रीडिंग करते हैं। मिनी लिव्स हर पेरेंट्स हर फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ओके नेक्स्ट क्या है, व्हेन फादर मदर एंड देयर थ्री और मोर चिल्ड्रन लिव टूगेदर इट इज कॉल्ड अ बिग फैमिली। ओके बेटा आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज को आपने अपनी ईवीएस की नोटबुक में कंप्लीट करना है और लर्न करके राइट करना है। ओके बेटा और चेकिंग के लिए वर्क पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।